फोर्स एक्टिव ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, सपोज दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, दिस पे चार्ज है क्यू, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी, मोशन में होना चाहिए चार्ज पार्टिकल, स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो ही वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, अगर रेस्ट में तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब समझो ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है और मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दूँ, अभी तो ये लगाया है ऐसी डायरेक्शन, फिर एंगल वगैरह पे डिपेंड करता है, वो देखेंगे बाद में। तो अभी समझो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, समझो मैग्नेट की बाजू में एक मैग्नेट रख दिया उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, या करंट कैरिंग वायर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल। अब ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है विद वेलोसिटी v, तो डेफिनेटली इसकी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी बिकॉज चार्ज पार्टिकल मोशन में है। तो ये मैग्नेट एक दूसरे पे क्या एग्जर्ट करेंगे फोर्स, उसी फोर्स का इक्वेशन लिखना है। देखो ये भी 12th में लिखा है अपन ने, ठीक है, समझ में आया। तो देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले से है ये, ठीक है, अभी तो फिलहाल ये डायरेक्शन दे रहे हैं, बाद में देखेंगे डायरेक्शन का क्या इफेक्ट होता। तो मान लो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी जो पहले से है, तो ये क्या हो सकता, ये एक मैग्नेट भी हो सकता, यहाँ अपन ने एक मैग्नेट रखा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो सकती, या फिर एक करंट कैरिंग वायर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनोइड है, करंट कैरिंग वायरिंग है, टोरॉइड है, कुछ भी हो सकता, जो भी होगा है, पर यहाँ पे अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, ठीक है, यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक चार्ज पार्टिकल उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा, तो चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो याद रखना एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा, ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं, समझ में आए। तो मोशन में होना जरूरी है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, अगर चार्ज रेस्ट में है, वो लिखेंगे बाद में, अगर चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो, फिर ये मैग्नेट उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करे, ठीक है, ध्यान रखें। तो द इक्वेशन इज गिवन बाय एफ, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, क्यू इन ब्रैकेट वी क्रॉस बी, ठीक है, तो मान लो ये बी है, ये वी है, अच्छा उल्टा करते हैं, प्रोडक्ट की डायरेक्शन सेम रहते हैं, राइट हैंड रूल वेक्टर रूल याद है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, देखो सपोज दिस इज वी एंड दिस इज बी और ये दोनों के बीच में का एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट देखो बी क्रॉस बी, राइट हैंड रूल, बी क्रॉस बी, कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यानी यहाँ पे जो वेक्टर निकलेगा ये या तो बोल सकते हैं आप एफ है या नया वेक्टर कौन सा है, एफ यानी बी क्रॉस बी, और इतना है, और आप बोल सकते हैं एफ है या ये बी क्रॉस बी है, बी क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी, तो एफ इज परपेंडिकुलर टू वी, एफ इज परपेंडिकुलर टू बी, ये थोड़ा सा याद रखना। क्रॉस प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला है वो याद रखो, एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर वी एंड वेक्टर बी, और वी कैन से परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वी एंड बी आर प्रेजेंट, तो ये वेक्टर भी दिखाते समय ऐसे दिखा है पर एक्चुअल में ऐसा है, राइट हैंड रूल, जैसे कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वी क्रॉस बी और ये थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकला है एफ, तो याद रखना एफ इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी या इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वी एंड बी आर प्रेजेंट, वी और बी इस प्लेन में है बोर्ड के, तो ये परपेंडिकुलर है, पर ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए ऐसे, तो ये F की डायरेक्शन है या B क्रॉस B की डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो आप लिख सकते F इज इक्वल्स टू Q V B
साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैग्नीट्यूड लिखा है या वेक्टर नहीं भी नहीं दिया है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताइए राइट हैंड रूल से निकल सकते, राइट हैंड थंब रूल सिर्फ राइट हैंड रूल राइट हैंड थंब फिलहाल ये जो बताया था वेक्टर अगर ऐसे है तो दूसरा भी बता था, देखते एक बार ये देखते एंगल थीटा है मान लो परपेंडिकुलर है तो आप सिंपल राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को बताया करंट कैरिंग वायर या चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा, अगर वो डायरेक्शन निकालना है तो आप दो तरीके हैं दोनों भी बता था पहले एक बार देख लो। अभी तो फिलहाल अपने थीटा रखा है तो राइट हैंड रूल से लगा लिया कर्व फिगर, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है अभी फिलहाल, परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो भी बता। नोट डाउन करो एकदम, यहाँ पर अपने बता दिया कि F is always perpendicular to both B and D. Now F is perpendicular to B, तो अपन लिखेंगे याद रखना F dot V dot product इन दोनों का, और अगर perpendicular है तो dot product आएगा zero. तो work done का formula अपन क्या लिखते देखो, work done is equals to force into displacement dot product ही है, force into displacement, displacement की जगह velocity into time ऐसा कर दिया, तो F into V ये zero है तो work done भी क्या रहेगा zero, तो यहाँ याद रखो work done zero, तो याद रखो force अगर velocity और F work done zero है तो force सर्कुलर मोशन वाला लॉजिक आ जाएगा, अभी वो लेंगे अपन साइक्लोट्रॉन का हुआ ही अपने को, तो फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे को क्या थे परपेंडिकुलर, तो फोर्स से खाली उसको बाउंड करके रखा था, फोर्स सिर्फ क्या चेंज कर रहा है उसकी डायरेक्शन, दिस फोर्स कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन बट इट कैनॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, फोर्स खाली डायरेक्शन चेंज कर रहा पाएगा बट मैग्नीट्यूड नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जैसे हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा था फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही, तो डायरेक्शन चेंज होंगी बट मैग्नीट्यूड नहीं, तो ये थोड़ा सा क्या दो रूल और है डायरेक्शन निकालने के लिए वो भी बता देता, और एक चीज याद रखना रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो तो डेफिनेटली फोर्स जीरो, पार्टिकल मोशन में होना जरूरी ये याद रखना, एफ डॉट वी जीरो क्यों लिया बिकॉज एफ इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन निकालने के लिए दो और रूल है, एक अपने को राइट हैंड रूल है पर मेन दो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, दोनों में फर्क क्या है वो समझा देता, क्योंकि स्टैंडर्ड तो फ्लेमिंग्स के थे पर इस बार टेक्स्ट बुक में उन्होंने नए सिलेबस में राइट हैंड रूल से ही पूरा दिया है, ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहीं बताया है ना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहीं बताया है, तो है एक्चुअल में इम्पोर्टेंट ही वो, पर अपने ही टेक्स्ट बुक में नए हिसाब से है तो राइट हैंड रूल
फिर से बता देता, ये राइट हैंड टूल है, ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडल फिंगर और ये थंब बनी नीचे देखते हैं। ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडल फिंगर और थंब थोड़ा छोटा बना लेते हैं, हंसेगा नहीं कोई, ठीक है। ये देखो ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडल फिंगर और ये थंब, थंब परपेंडिकुलर है पर सब बताना पड़ा उसको, ठीक है। लो लो थंब बना लिया, ये है फर्स्ट फिंगर, ये है मिडल फिंगर और ये थंब, ठीक है। तो राइट हैंड रूल वापस से नोट्स में देख लेना, तो ये जो फोर्स है तीनों एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर है, जैसे अपन ये निकाला था ऐसे, पर ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये वी है, ये बी है, ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन इससे निकाल सकते हैं आप लोग आराम से, यानी इससे निकालने की जगह डायग्राम से आप ऐसे निकाल सकते हैं। ध्यान दो, फर्स्ट फिंगर, ये मिडल फिंगर और ये थंब ऐसा आया। नाउ फर्स्ट फिंगर, एक दूसरे कलर से बात करते हैं, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, तो फर्स्ट फिंगर क्या इंडिकेट करेगा, मोशन। और जब अपन करंट कैरिंग वायर को लगाएंगे, सेम चार्ज पार्टिकल पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्ट हो रहा, वैसे करंट कैरिंग वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्ट होगा। फिर से बता देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ चार्ज पार्टिकल रखने की जगह करंट कैरिंग वायर रख देंगे जिसमें से करंट फ्लो हो रहा सपोज आए, तो इसका भी फोर्स का इक्वेशन हुआ है F is equals to B I L sin theta। चार्ज पार्टिकल का ही फॉर्मूला है, चार्ज पार्टिकल में फॉर्मूला था F is equals to, अभी जो लिखा था वही लिख रहे, B Q V sin theta। B Q वेलोसिटी की जगह लिखेंगे डिस्टेंस, इसकी लेंथ अपॉन टाइम sin theta। अब चार्ज अपॉन टाइम कर देंगे तो करंट, लेंथ अलग, तो ये बन गया बी आर एल साइन, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि उसमें भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो तब मोशन ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज की जगह फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट, ये भी याद रखना, तो एक ही बात है मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है कोई कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। ये देखो फर्स्ट फिंगर, तो ये इस फॉर्मूले में भी काम आएगा वही सेम रूल, कि अगर आप किसी, अभी तो चार्ज पार्टिकल मोशन में था, वो रखा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, पर जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखेंगे, मतलब चार्ज पार्टिकल मोशन में ही है, तो भी वो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, चार्ज पार्टिकल में ये है उसी पर से ये फॉर्मूला बना, तो फोर्स विल बी वी आई एल साइन थीटा, तो ये भी हुआ है, आप ध्यान रखो सिंपल है, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एल अपॉन टाइम टी, डिस्टेंस एल अपॉन टाइम टी, तो क्यू अपॉन टी चार्ज अपॉन टाइम को लिख लिया करंट और लेंथ को वैसे ही रखा है, तो ये फॉर्मूला बन गया बी आई एल साइन, ठीक है। तो ये हटा, तो ये दोनों में काम आएगा, चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा वो निकालने के लिए भी काम आएगा राइट हैंड रूल, और ये भी निकालने के लिए काम आएगा करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कितना है, दोनों के लिए सेम है, तो ये अपन देख ले राइट हैंड रूल। नाउ ये हो गया करंट, मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी, सो फाइनली थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तीनों फिंगर को म्यूचुअली स्ट्रेच करो राइट हैंड के, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, इफ फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में रहता, मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, तो दोनों भी चलते हैं। फिर से बताना, ये जो राइट हैंड रूल है ये अपन यूज कर रहे हैं टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
ठीक है। नाउ स्ट्रेच थ्री फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन फाइनली द थर्ड फिंगर परपेंडिकुलर ये थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो उस पर फोर्स एक्ट करो ना उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो ये एक है टेक्स्ट बुक में जो नहीं दिया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो इंपॉर्टेंट है तो वो भी बता देता हूँ, पहले ये लिख लो फिर ये मिटा दे। तो दोनों से डायरेक्शन निकाल के बता दूंगा, सेम डायरेक्शन आएंगे, पर ये सिर्फ राइट हैंड रूल, किसी का नाम नहीं जोड़ा इसके साथ, राइट हैंड रूल। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल बोलो या फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर, दोनों के लिए ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि अगर फोर्स एक्ट हो रहा मैग्नेटिक फील्ड में उनके ऊपर तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो दूसरे भी बता देता फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो अभी तो एक जैसे नहीं लगेंगे वो, जब डायरेक्शन के बताऊंगा यूज करके एक बार, तो दोनों में आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी आप लोगों को डायरेक्शन निकाल सकते, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है पर इंपॉर्टेंट था पुराने सिलेबस में ही, समझो राइट हैंड रूल नहीं था पुराने सिलेबस में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ही डायरेक्शन निकाले, पर ठीक है क्या कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड राइट लेफ्ट समझ में आता, लेफ्ट हैंड पर नाम दिया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर इन दिस केस जस्ट याद रखना, अगर राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालेंगे तो भी वही सेम आएगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे तो भी वही सेम आएगी, पर बता रहा था लेकिन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था पहले, बहुत सारी बुक्स अगर आप कॉम्पिटेटिव की देखेंगे तो उसमें राइट हैंड रूल के बारे में नहीं होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में होगा डायरेक्शन के लिए, तो अपने बोर्ड वाले टेक्स्ट बुक ठीक है चलेगा, क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट फिंगर यहाँ पे इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, एक दो और ये, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट या चार्ज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन बोलो, वो भी चल जाएगा, अभी तो फिलहाल करंट ही बोल रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे यार, डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल कौन सा पॉजिटिव, एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ देन फाइनल आंसर फोर्स। तो अंगूठा दोनों इसमें फोर्स ही बता रहा, वैसे देखो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर करंट और डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन जिस डायरेक्शन में हो रही, एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये थोड़ा सा चेंज है आपका, तो ये है अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो खाली राइट हैंड रूल था, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। तो अगर डायरेक्शन निकालना है चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा, तो कोई भी रूल यूज कर सकते, राइट हैंड रूल भी कर सकते, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी कर सकते। चलो डायरेक्शन का यूज करके बता देता पहले, तो
मतलब समझाया है, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर इनटू द पेपर, ठीक है। तो ये है चार्ज पार्टिकल, अभी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, रेस्ट में नहीं होना चाहिए, या अभी बताया था, याद रखना, अगर वेलोसिटी जीरो है बट मैग्नेटिक फील्ड नॉट जीरो, यानी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड में बट चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो याद रखो फोर्स जीरो रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड है फिर भी फोर्स जीरो है क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो दूसरा मैग्नेट उस पर फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, याद रखो। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी है तो भी उस पर फोर्स एक्ट नहीं होगा, ठीक है। नाउ दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी वी और ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी, परपेंडिकुलर इनटू द पेपर। अब दोनों रूल लगा के बता देता, राइट हैंड और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दोनों वेरीफाई कर लो सेम आता क्या। राइट हैंड में फर्स्ट फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा था, करंट की डायरेक्शन या चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये मिडल फिंगर वॉज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे ही ये यहाँ पे एंटर होगा तो फोर्स एक्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आता देखते, चार्ज पार्टिकल, अच्छा ध्यान रखो अभी v एंड b आर परपेंडिकुलर, सो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है। सो f इज इक्वल्स टू b q v sin थीटा, गए sin 91, तो अभी फोर्स है b q, ध्यान रखो डायरेक्शन निकाल रहे, मैग्नेट टुक तो निकल गया। फर्स्ट फिंगर राइट हैंड यूज कर रहा, मेरा राइट हैंड रूल ले रहे हैं अपन, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट या पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन बोल सकते हैं। ये मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे रख लिया देखो, ये ऐसे रख लिया। देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जैसे ही वो अंदर घुसेगा उस पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब इसको अगर आप सेंटर इमेजिन करें तो ध्यान देना, ये देखो फोर्स अपवर्ड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, फिर अपन अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा चेंज किए, देखो पहले डायरेक्शन बनाई लेता कैसे मूव होगा, देखो ना अब डायरेक्शन देखना, पहले तो एंटर हुए फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर जैसे जैसे पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा, राइट हैंड रूल से डायरेक्शन चेंज होती जा रही, पर फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट एनी सेंटर। तो जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में है यहां से यहां तक, इट विल परफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में बाहर गया वो वापस स्ट्रेट लाइन में आया। यही कॉन्सेप्ट फिर अपन ने साइक्लोट्रॉन में यूज किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लगा तो वो जगह पर गोल घूमेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन ने उसको बड़ी रेडियस दिया था, एक्सेलरेशन दिया था। तो साइक्लोट्रॉन भी अपना हुआ है, शॉर्ट में लेंगे अभी भी, पर ये देखो। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी बताऊंगा, पहले राइट हैंड रूल से वापस समझ लो। फर्स्ट फिंगर ये मिडल फिंगर, यानी करंट की डायरेक्शन बोलो या चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज है मोशन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन, थंब सॉरी ये मिडल फिंगर इंडिकेटेड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर, और ये डायरेक्शन इधर, और ये थंब इंडिकेटेड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जैसे ही वो एंटर करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ऊपर गया थोड़ा, इधर गया ऊपर, देखो डायरेक्शन, ये देखो मोशन की डायरेक्शन भी बदल रही साथ में, और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही रख रहे हैं अपन। थंब की डायरेक्शन देखना, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट, मतलब क्या परफॉर्म कर रहा हो, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, खाली डायरेक्शन चेंज हुई है, सो इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अगर पूरी मैग्नेटिक फील्ड लगा दो यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू, तो ये वापस सर्कल में घूमता रहेगा। सॉरी लेफ्ट हैंड रूल से बताया था, फिर इक्वेशन ले, उसमें फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देख लेना, याद रहा तो ठीक है, नहीं भी रहा तो ठीक है, पर याद रखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट या चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मोशन की, और थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां पे भी देखो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर और फोर्स देखो थंब डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ये पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन, अब सीधा निकल जाएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते या राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, इसको इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करें।
साइन थीटा क्यों नहीं आया, ये हटा दिया ना। सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू बी क्यू वी, वी और वी कैंसिल, सो एम वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू बी क्यू। तो ये भी एक याद है, एक वी कैंसिल हो, सो आर कैन बी रिटन एज एम वी अपॉन बी क्यू रेडियस से, और वी कैन राइट पी अपॉन बी क्यू मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंट। अच्छा देखो, लीनियर मोमेंटम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर कर देते एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, क्योंकि ऊपर तो एम ही था, स्क्वायर में डाले मतलब स्क्वायर हो गया, एम एक्स्ट्रा है, सो एनर्जी इज पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम, सो इट इंप्लाइज P is equals to under root twice ME. तो linear momentum की जगह ये भी substitute कर सकते हैं। अच्छा, ये जो circular path वगैरह है ये पहले अपने हो चुके हैं, cyclotron के time सब समझा है, cyclotron भी अपन detail में नहीं लेंगे, सिर्फ diagram एक बार बता के बता दूंगा कि दो type के field लगाते हैं वहाँ पे, electric और magnetic, तो दोनों का काम क्या है वो भी अपना हो जाएगा। हेलिकल पाथ भी अपना समझाया हुआ है तो वो भी लेने की जरूरत नहीं है, और फोर्स एक्टिंग ऑन टू करंट कैरिंग वायर्स वो भी अच्छे से समझाया हुआ है, तो वो भी डायरेक्ट इक्वेशन लेंगे, तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर समझाया हुआ है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले है वो ध्यान रखना है, उसके लिए ये रिविजन ले रहे खाली, तो आप लोग एक बार जस्ट रिवाइज कर लो उसको, पहले सब हो चुका है इसलिए एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं कर रहे, ध्यान रखना, नहीं तो फिर वही 15 दिन फिर से बोर्ड का पड़ा, बोर्ड के अभी भी वीडियोस हैं उसमें, आप चाहे तो देख लो, देखना ही चाहिए, ये लिखने के पहले वो एक बार पढ़ लो अच्छे से वापस से, नोट्स भी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पूरा चैप्टर हो चुका है, उसी पे बेस्ड है सब, तो ये नोट डाउन कर लो, इसको हटा के लिख रहे डायरेक्ट, अब ये नहीं रखेंगे, ठीक है, ट्वाइस एमपी। तो आप इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, R is equals to P की जगह अंडर रूट ट्वाइस एम ई अपॉन बी की, तो ये पूरा ही फॉर्मूला चलता और ये भी चलता, रेडियस का कोई भी हो सकता, थोड़ा और चेंज कर रहे, ये कहाँ से चेंज किया वो तो मैंने समझा दिया, आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा, अब और थोड़ा चेंज कर रहे, वी पी पोटेंशियल का फॉर्मूला W अपॉन क्यू जीरो, ये हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, देख लेना V is equals to W upon Q, चार्ज Q है तो Q लिखेंगे, W is equals to Q into Vp, Vp इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी के साथ कंफ्यूज नहीं करना, V मतलब वेलोसिटी और Vp मतलब पोटेंशियल, तो यहाँ पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं अंडर रूट ट्वाइस एम E की जगह, यानी एनर्जी की जगह वर्क डन की जगह आप लोग ऐसे भी लिख सकते Q into Vp, where Vp is the potential, और अपॉन BQ, तो Q एक अंदर भी है एक बाहर भी है, क्यू अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर कर लेंगे, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ट्वाइस एम वी पी, ये अंदर जाएंगे तो स्क्वायर पर अपॉन में, तो एक क्यू बचेगा और साथ में है वन अपॉन बी बचेगा, तो ये भी आप लिख सकते हैं, कैसे अरेंज करके पूछेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, फॉर्मूला भी आ सकता, तो ये याद रखो कि R का ये फॉर्मूला मेन है, उसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू अंदर लिखेंगे तो रूट में क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो एक क्यू कैंसिल कर दिया तो एक क्यू बचा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और बी पी मतलब क्या है पोटेंशियल, नोट डाउन कर लिया, तो डायरेक्शन दोनों इससे निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं आप, राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या सादा राइट हैंड, देख लो एक बार, ये नोट डाउन कर लो, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो
पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? सर्क्यूलर मोशन। साइक्लोट्रॉन की इक्वेशन आ गया रेडियस का एम वी अपॉन बी क्यूब, तो साइक्लोट्रॉन अपन नहीं लेंगे, आप लोग थ्योरी वगैरह सब है पढ़ लेना, उसमें हेलिकल पाथ में एक बार फिर से ले लूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन की इक्वेशन वही कही गई है, टाइम पीरियड का भी अभी निकाल ही लेंगे, फ्रीक्वेंसी का भी हो जाएगा, सिर्फ मैक्सिमम एनर्जी का आप लोग देख लेना कि जब वो मैक्सिमम रेडियस हो जाएंगे और विंडो में से बाहर आएगा तो रेडियस का इक्वेशन अपन ऐसे लिखा था कैपिटल आर एम वी मैक्स वेलोसिटी मैक्सिमम बी क्यू और फिर उसको हाफ एम वी स्क्वायर में डाला था, ठीक है, तो वो देख लेना। साइक्लोट्रॉन की इक्वेशन यही हो गई सब। नाउ टाइम पीरियड के लिए लेंगे एम वी ओमेगा इज इक्वल्स टू ये वाला एफ, ये mv स्क्वायर अपॉन r लिखा था, अब mv ओमेगा लिख रहे हैं, b q v, तो v कैंसिल, ओमेगा की जगह लिख देंगे 2 पाई अपॉन d इज इक्वल्स टू b q अपॉन m, ये m अपॉन में कर, सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन b q और फ्रीक्वेंसी लिखना है तो b q अपॉन 2 पाई एम और वी कैन से 1 अपॉन टी, तो ये टाइम पीरियड उसमें भी था साइक्लोट्रॉन में फ्रीक्वेंसी, तो ये कंप्लीट सर्कल का टाइम था, हाफ सर्कल का रहा तो 2 हटा देंगे, देख लेना उसमें है सब ये वो देख लेना। हेलिकल पार्ट में चलते हैं, यही इक्वेशन काम आएंगे अपने तरफ, तो लिख लेते हैं R is equals to mv upon bq और time period का क्या निकला है 2 by m upon पाथ के लिए देखना। हेलिकल पाथ मतलब स्प्रिंग जैसा पाथ, हेलिकल पाथ स्प्रिंग पाथ, तो हेलिकल पाथ बोर्ड वालों को तो नहीं, कैंसल्ड पोर्शन में, साइक्लोट्रॉन भी कैंसल्ड है और हेलिकल पाथ वाला भी कैंसल्ड पोर्शन में है, पर बोर्ड वालों के लिए, अपने लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी कॉम्पिटिटिव वालों का एमएससीडी वालों का कुछ भी नहीं आया क्या कैंसल्ड है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो अपन ने वो चैप्टर पूरे लिए है सभी, किसी में भी कुछ भी नहीं छोड़ा है, अपने एक्स्ट्रा सब लिया है, तो आप लोगों को तो पढ़ना ही है वो भी, हेलिकल पाथ वगैरह भी नोट्स में भी है, बोर्ड के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी देखो ये वाली डायग्राम जो बनाई थी अपन ने यहाँ पे, सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाया था यानी परपेंडिकुलर इन टू द पेपर और वेलोसिटी ये डायरेक्शन में दिखाई थी, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे, समझ में आ रहा है। अब ध्यान देखो मैग्नेटिक फील्ड वही है, बदल दे उसको थोड़ा सा, इसको ऐसे कर दो, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, अगर ये डायग्राम को मैच करने वाली हो तो वेलोसिटी ऐसी जा रही है परपेंडिकुलर, दिखाते समय ऐसे ही है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर और वेलोसिटी इधर, ऐसे भी बता सकते थे ये मैग्नेटिक फील्ड ये वेलोसिटी, पर अभी वैसा नहीं ले रहे हैं। अब ध्यान, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब जो एंटर कर रहा चार्ज पार्टिकल ये पॉजिटिव चार्ज वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा विथ वेलोसिटी वी बट मेकिंग एन एंगल, ठीक है, तो यहां तो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर कैसे भी हो सकता है, ये डायग्राम बनाना आसान था, तो अपन
ऐसे भी बना सकते थे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वेलोसिटी है 90 डिग्री, चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा मैग्नेटिक फील्ड में। वैसे ये वही डायग्राम थी, कैसे भी बनाओ आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी बना सकते थे और परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है। ये वेलोसिटी हो सकती थी, ये मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती थी, कैसे भी हो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था, अब एंगल 90 डिग्री नहीं है और न एंगल जीरो है, जीरो और 90 के बीच में, जीरो वाला लॉजिक बताई देता है एक बार। देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू जीरो, वेलोसिटी और बी की वैल्यू, सो फोर्स बी, तो न अभी अपना एंगल जीरो है, मतलब वो पार्टिकल ऐसे भी नहीं मूव हो रहा, न 90 डिग्री पे मूव हो रहा है ऐसे, तो न फोर्स जीरो है न फोर्स मैक्सिमम है, बीच में है अपन यहाँ पे एंगल, ठीक है। तो नाउ वी विल रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स, ये आएगा एक कंपोनेंट v cos थीटा और ये आएगा एक कंपोनेंट v sin थीटा। तो v cos थीटा वाला कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल है कांस्टेंट रहेगा, वो ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएगा और v sin थीटा आप देखेंगे ध्यान से तो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है तो वो सर्कुलर मोशन देगा, तो अब पार्टिकल ऐसे घूमेगा। तो ये v cos थीटा सामने लेके जा रहा और ये v sin थीटा जो है वो सर्कुलर मोशन देगा। अब ध्यान देखिए तो रेडियस का इक्वेशन माइन्यूट सा चेंज होगा, यहां सर्कुलर मोशन कौन दे रहा था खाली वेलोसिटी v, यहां कौन दे रहा v sin थीटा, तो रेडियस का इक्वेशन ऐसे बनेगा mv / bq, सिर्फ v की जगह लिखना पड़ेगा v sin, ये फर्स्ट इक्वेशन याद रखो, इसी में माइनस से चेंज कर लिया। v की जगह भी साइन थीटा, सर्कुलर मोशन कौन दे रहा है v साइन थीटा। सेकंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में तो कोई भी v का एक कंपोनेंट है नहीं, v नहीं है तो कंपोनेंट कहां से आएगा, तो वही रहेगा इक्वेशन v, तो हेलिकल पाथ में भी टाइम पीरियड देखो, तो यहां से सर्कल शुरू हुआ यहां खत्म होगा सर, तो वो देखो स्प्रिंग जैसा है तो गोल भी घूम रहा और सामने भी जा रहा, या कभी कभी होता है वो रिबिन वाले खेल करते गोल घुमाते तो रिबिन में वो सिलेंडर जैसा बनता और वो वेव्स आगे आगे जाते, सेम वैसे ही गोल भी घूम रहा और आगे भी घूम जा रहा, तो एक रोटेशन में कितना लीनियर डिस्टेंस कवर हुआ, इट इज कॉल्ड पिच, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड यानी यहां से यहां तक लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच, ये भी निकालेंगे याद रखो। रेडियस पूछा तो ये इक्वेशन, टाइम पीरियड पूछा तो वही इक्वेशन है जो सर्कुलर मोशन में लिया था, याद रखना v cos थीटा सामने लेके जा रहा और v sin थीटा कौन सा मोशन दे रहा, सर्कुलर, दिस पाथ इज कॉल्ड हेलिकल पाथ, हेलिकल स्प्रिंग के जैसा है इसलिए हेलिकल पाथ, तो यहां सर्कुलर मोशन भी है और लीनियर मोशन भी आ गया। नोट डाउन करो फिर पिच का इक्वेशन पे निकालते हैं, सादा फॉर्मूला लगाएंगे पिच के लिए, तो देखो पिच का इक्वेशन, पिच यानी लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, सारा फॉर्मूला वेलोसिटी, अब आगे कौन लेके जा रही है वेलोसिटी v cos थीटा और एक रोटेशन को जो टाइम पीरियड लगेगा वो है t, ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम पीरियड का इक्वेशन डाल देंगे v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड का 2 बाय m upon b cube, ये अब हटा देते हैं ऊपर लिख देते हैं which is equals to b cos theta 2 by m upon b cube, so
इसमें से कुछ बन रहा के देखो, v अपॉन बी क्यू, बोल कर लो v अपॉन बी क्यू, एम वी है ऊपर भी एम है तो एम वी कर दे, एम वी अपॉन बी क्यू, एम वी अपॉन बी क्यू, ठीक है वो नहीं है, एम वी गया, यहाँ बचा है टू पाई और कॉस थीटा, सो एम वी अपॉन बी क्यू की जगह लिखेंगे आर अपॉन में साइन थीटा, आर अपॉन में साइन थीटा इनटू टू पाई कॉस थीटा, ये साइन और ये कॉस, सो पिच कैन आल्सो बी रिटन एज टू पाई आर सर्कमफ्रेंस अपॉन, ये इसको लिखेंगे टैन थीटा, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा ऊपर, तो ये भी फॉर्मूला है पिच का। तो याद रखो v cos थीटा सामने लेके जाएगा और v sin थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है वो सर्कुलर पाथ देगा, तो गोल घूम रहा और सामने भी जा रहा ऐसे, ठीक है वो आप लोगों को देखा होगा ना, रॉड पे रिबिन बांधते एक ऐसा रिबिन और उसको रॉड को गोल घुमाते सेम शेप दिखता, तो वेव्स सर्कल के फॉर्म में आगे बढ़ते, वैसे ही यहाँ पे पार्टिकल हेलिकल शेप में आगे बढ़ते, तो ये देखो नोट डाउन करो इसको, तो ये अपना हेलिकल पाथ कंप्लीट हो गया, ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखा है चेंज क्या किया है वो बता दिया, ये तो चेंज ही नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी का इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है, 2 पाई अपॉन बी क्यू रिजॉल्व किए हुए कोई कंपोनेंट या वेलोसिटी का कंपोनेंट था तो अपन ने v साइन थीटा कर दिया उसको, q साइन थीटा किया तो यही सर्कुलर मोशन दे रहा जो v को परपेंडिकुलर है, और पिच में लिया है जो हॉरिजॉन्टल आगे ले दिया है, हॉरिजॉन्टल आगे कौन सा कंपोनेंट ले दिया जा रहा है v cos थीटा इनटू टैन, साइक्लोट्रॉन नहीं ले रहे, साइक्लोट्रॉन एक बार आप लोगों ने देख लिया है, इक्वेशन डिराइव कर ही चुका, इक्वेशन अभी जो सर्कुलर पाथ के लिए थे उसमें डिराइव हो चुके हैं, तो उसमें हाफ टाइम का भी है, टू से डिवाइड कर लेना, टोटल टाइम के लिए जो निकाला था वही है, सिर्फ एनर्जी का इक्वेशन देख लेना खाली उसमें मैक्सिमम एनर्जी, तो साइक्लोट्रॉन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, सिर्फ आप लोग एक बार पढ़ना है, इक्वेशन अभी हो ही चुके हैं और फिर से बताया था रेडियस का इक्वेशन था आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन बी क्यू, तो मैक्सिमम रेडियस के लिए इसको कैपिटल आर लिखा था और वी को लिखा था वी मैक्स, फिर वी मैक्स का फॉर्मूला निकाला जैसे और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू डाल के, तो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, तो वो आप लोगों ने एक बार देख लिया, साइक्लोट्रॉन नहीं ले रहे, साइक्लोट्रॉन अपना पूरा हो चुका है, एक बार ये नोट डाउन कर लो आगे से। साइक्लोट्रॉन फिर से पूरा इंपॉर्टेंट है, फेसबुक में है, नोट्स में भी है, मैंने लिया भी है आप लोगों का, कैंसल्ड पोर्शन में था पर फिर भी मैंने लिया है, आप लोगों को तो पढ़ना ही है, तो वीडियो एक बार लगे तो साइक्लोट्रॉन अच्छे से समझाया उसको वापस देख लो, तो इसलिए यहाँ पे साइक्लोट्रॉन नहीं ले रहे। वीडियो है लगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट अभी भी यूट्यूब पे है बोर्ड का, तो उसमें साइक्लोट्रॉन वाला आप लोगों ने देख लेना। अब देखो अब ले रहे लॉरेंट्ज फोर्स, अब यहाँ अपन अभी तक अपन ने जब चार्ज पार्टिकल था उसको सिर्फ कहाँ मूव कराए थे मैग्नेटिक फील्ड में, अब मान लो दोनों फील्ड अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक, चार्ज पार्टिकल तो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी और मूव हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी, तो दोनों फील्ड उसमें फोर्स एग्जर्ट करेंगे, सो द रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का वेक्टर सम,
और इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ई का फॉर्मूला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये वाला फॉर्मूला याद ही होगा, एफ अपॉन क्यू फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. सो एफ विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस, अभी इसका निकाला था क्यू इंटू वी क्रॉस वी, ये है फोर्स का इक्वेशन. दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्स फोर्स वेयर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन बोथ मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों फील्ड साइमल्टेनियसली लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया है. तो दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्स फोर्स. चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स एक्ट हो रहा दोनों फील्ड की वजह से, एक अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया है एक्सटर्नल और एक अपन ने मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया है. कुछ केसेस ले लेते समझो. फर्स्ट केस कोलिनियर, ऑल आर कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, यानी उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा. तो अभी बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया जीरो, ये बचा खाली इलेक्ट्रिक फोर्स, वो तो एक्ट हो गई. सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी ओनली एफ ई और वी कैन से क्यू इंटू ई. तीनों कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी. तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अभी बताया था सेम डायरेक्शन में रहे तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा क्यू इंटू ई. अब मान लो तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मान लो ये एक प्लेट है ये दूसरी प्लेट है, यहां लगा रहे समझो निगेटिव चार्ज, यहां लगा रहे पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे, डायरेक्शन दिखना चाहते थे पॉजिटिव टू निगेटिव, बाद में हटा देंगे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई. अब इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है अपन ने. तो अगर इसमें चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा और एंटर हुआ विद वेलोसिटी वी तो वो ये वाली डायरेक्शन में ऐसे मूव होके बाहर निकले. क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ वो अट्रैक्ट होगा. तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो ऐसे उसकी मोशन आप लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, हटाओगे फोर्स का फॉर्मूला तो है ही अपने पास क्यू इंटू ई, और डिटेल में बाद में लेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स जब कॉम्पिटिटिव का पढ़ाएंगे तब लेंगे, इक्वेशन वगैरह सब लेंगे उसका. अभी फिलहाल जस्ट लॉजिक बता रहा. मान लो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाए, एक बार एक प्लेट पर से चार्ज हटा देता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी क्रॉस बना रहा है अभी यहाँ पे, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया मैंने वहां से, सिर्फ प्लेट रखे है क्योंकि बाद में बना लेनी पड़ेगी. तो ये अभी बताया था सर्कुलर मोशन, ये ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा और ये इधर बाहर निकले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर जा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड में इधर जा रहे थे, तो जो दोनों साथ में जब लगाएंगे तो जो स्ट्रांग रहेगा उधर, बट मान लो दोनों इक्वल लगाए तो वो बता रहा है. तो अब ये है मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज लगा देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो अब जो फोर्स ज्यादा है मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो थोड़ा नीचे जाएगा, बट मान लो दोनों सेम है तो वो जाएगा एग्जैक्ट स्ट्रेट, दोनों फोर्स सेम है, ऊपर खींचने वाला भी और नीचे खींचने वाला भी. सो एफ ई इज इक्वल्स टू एफ ये क्यू इंटू ई और ये बी क्यू वी, अभी बताए थे ये फोर्स साइन 91, तो क्यू और क्यू कैंसिल, v is equals to e upon b. इस फॉर्मूले से आप उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको वेलोसिटी सिलेक्टर भी बोल सकते हैं. नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस करती है क्योंकि चार्ज पार्टिकल है। अब समझो ये है मैग्नेटिक फील्ड और उसमें हमने ये रखा है करंट कैरिंग वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है सपोज आई। अब इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे क्या एग्जर्ट करेंगे फोर्स। सो व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। नाउ इक्वेशन ऑफ फोर्स अपने डिराइव किया ही है ब्रेथ में, पर अपन अभी दूसरी मेथड से एक बार बता देता फिर से। चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला लिखा था क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अभी अपन ने लिखा ही गया चार्ज पार्टिकल के लिए। नाउ एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वेलोसिटी की जगह एक बार लेंथ कर देते वेक्टर डीएल भी कर सकते ठीक है अपॉन या एल लिख लो एक बार जो भी होंगी लेंथ और अपॉन में टाइम। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम तो लेंथ वेक्टर है इनटू बी। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट जैसा रहता है करंट कितना डिस्प्लेस हुआ है वैसे है लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी। नाउ टाइम इधर ले लो F Q upon T it is I multiplication में है सब into L cross B। ये formula अपने direct use करने वाले हैं अभी या फिर आप short में लिखना चाहें बिना vector के तो it is B I L sin theta। ये मल्टीप्लीकेशन हटा दो क्रॉस के साथ कंफ्यूज कर दिया ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट हटाया तो साइन थीटा। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय जैसे चार्ज पार्टिकल में था वैसे यहाँ पे राइट हैंड रूल सादा राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी दे सकते हैं। तो वो जब टॉर्क का इक्वेशन अभी निकालेंगे तो वो मैं बता दूंगा आपको। तो इट इज बी आर एल साइन थीटा। So when a current carrying wire is kept in a magnetic field, it will experience the force which is given by the formula F is equals to B I L sin theta. No doubt about it. अब अपन दो करंट कैरिंग वायर शॉर्ट में समझा देते फिर से। दो करंट कैरिंग वायर लेंगे दूसरे पे कैसे फोर्स एक्सर्ट करते हो देखते। दिस इज फर्स्ट करंट कैरिंग वायर जिसमें से करंट हो रहा आई। यहां रखेंगे दूसरी करंट कैरिंग वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा आई और दोनों के बीच में का डिस्टेंस है सपोज ए ठीक है। तो एक बार समझा देना रिपल्शन का आप लोग ट्राई करना अट्रैक्शन का एक बार समझा देना। सपोज पहले एक करंट कैरिंग वायर कंसीडर करो I1। यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन निकालते एट अ डिस्टेंस A। अभी I2 वायर रखी नहीं है समझो अपन ने ठीक है। नाउ मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला है ना B1 ये अपना हो चुका है डिराइव स्ट्रेट वायर के बाजू में मैग्नेटिक इंडक्शन इनफाइनाइट वायर है म्यू जीरो I अपॉन 2 पाई R। तो अभी करंट I1 लिखा है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड रूल कर्व फिंगर्स ना देखो थंब इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ करंट कर्व फिंगर्स इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। तो इधर से इधर ये लिखा डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में इनटू द पेपर तो डॉट सॉरी क्रॉस लगा के देखो ठीक है कर्व फिंगर्स इधर बैकवर्ड डायरेक्शन। अब यहां आप रखेंगे तीसरी वायर देखो तो ये मैग्नेट हो गया समझो ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता दिया इनटू द पेपर ये B1। नाउ अब यहां हम रखेंगे दूसरी वायर जिसमें से करंट हो रहा फ्लो I2 जिस पे अब फोर्स एक्ट होगा फोर्स की डायरेक्शन देखो ये जब
बोर्ड केस में समझाया था तो राइट हैंड रूल से समझाया था, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से समझा रहा हूं, ठीक है? दोनों में सेम ही आएगा, देख लेना एक बार। नाउ फर्स्ट फिंगर, ठीक है, इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट हैंड रूल का ले रहा है। मिडल फिंगर इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? फोर्स देखो इधर है, मतलब ये फोर्स इधर है, एफ टू वन, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, ठीक है? ऐसे लिखो एफ टू वन। तो एफ टू वन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर है, साइन थीटा नहीं लेंगे, बी आई एल, मैग्नेटिक फील्ड है बी वन, ठीक है? उसका खुद का करंट आई टू और लेंथ है एल, सो इट कैन बी रिटन एज एफ टू वन, लेंथ अपॉन में कर लो, बी वन की वैल्यू डालो, म्यू जीरो आई वन अपॉन टू पाई आर, सॉरी टू पाई ए, क्योंकि डिस्टेंस ए है तो ए कर लो, ठीक है? और ये करंट आई वन, एल टू इधर डिवाइड कर दिए, ये निकल गया फोर्स, डायरेक्शन भी आ गई। अच्छा राइट हैंड रूल से भी बता देता चलो एक बार, ठीक है? देखना फर्स्ट फिंगर, अच्छा पहले ये लेफ्ट हैंड रूल वाला समझ लो एक बार, फिर आगे फिर से देखना। फर्स्ट फिंगर इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? मिडल फिंगर इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया लेफ्ट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल से बता, राइट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड यूज कर रहे हैं, मिडल फिंगर इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर देखो, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका एरो इधर। अब सेम प्रोसेस, इक्वेशन नोट डाउन कर लो या यहां लिख लेते, एफ टू वन अपॉन एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई वन आई टू अपॉन टू पाई ए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक वायर का दूसरे वायर पे निकल गया। अब रिवर्स प्रोसेस देखते, ये डायग्राम याद रखो, तो इसमें इसकी तरफ आया, इसका इसकी तरफ आ गया, तो यानी अट्रैक्शन हो जाए। अब दूसरी वे से फॉलो करते, मान लो पहले ये करंट कैरिंग वायर रखते आई टू, दिस इज करंट कैरिंग वायर आई टू, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालते इधर रखने वाले ना फर्स्ट वायर आई वन, ठीक है? तो एट अ डिस्टेंस ए, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला लिख लेते पहले, मी टू इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई टू अपॉन टू पाई ए, ठीक है? डायरेक्शन राइट हैंड रूल, थंब इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ थर्ड फिंगर, तुम लोग की तरफ है तो यहां लगाते डॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, मैग्नेट्यूड भी आ गया क्लियर। ठीक है, नाउ राइट हैंड रूल से लेफ्ट हैंड रूल से देख लेना एक बार, तो कोई भी एक बता देता, राइट हैंड रूल भी बता देते, पहले करंट कैरिंग वायर रखते, अब इसमें दूसरी करंट कैरिंग वायर रखेंगे जिसमें से करंट फ्लो रहा आई वन, तो इसमें फोर्स एक्ट होगा, तो इक्वेशन रहेगा एफ वन इज इक्वल्स टू बी, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वी टू, उसका खुद का करंट आई वन और लेंथ एल, सो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर, देखते ये आंसर और ये आंसर मैच हो गया, तो मतलब दोनों फोर्स इक्वल एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे और डायरेक्शन ऐसी आई मतलब अट्रैक्शन, तो डेफिनेटली जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा तो क्या आएगा, रिपल्शन, ठीक है? हो गया। नाउ अब ध्यान दो, फर्स्ट फिंगर इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, मिडल फिंगर इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट, तुम लोग की तरफ फोर्स देखो किधर आया ये, ठीक है? इधर फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड, लेफ्ट हैंड से बता देता, लेफ्ट हैंड में थोड़ा उल्टा है, फर्स्ट फिंगर इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो लेफ्ट हैंड रूल से भी आ सकता है, देखो तो इक्वेशन डालो मैग्नेटिक इंडक्शन का, एफ वन टू अपॉन लेंथ, ये लेंथ अपॉन में कर दिया, वी टू की वैल्यू म्यू जीरो आई टू
अपॉन 2 पाई, और ये आई वन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो दोनों एक दूसरे पे सेम एग्जर्ट कर रहे हैं फोर्स, एक का फोर्स इधर आया था, एक का फोर्स इधर अट्रैक्शन। तो जब आप अपोजिट में लेंगे, एक करंट कैरिंग वायर इधर है आई वन, दूसरी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो रहा इधर आई टू, बट अपोजिट डायरेक्शन में देखो तो फोर्स एक का आएगा इधर और एक का आएगा इधर, यानी रिपल्शन आएगा। तो वो राइट हैंड रूल से आपने करके देखा, ये नोट डाउन। तो अगर याद रखो, दो करंट कैरिंग वायर आजू बाजू में रखे हैं, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर करंट कैरिंग वायर आजू बाजू में रखे और उनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा तो द टू वायर्स रिपेल ईच अदर, फॉर्मूला सेम रहेगा, ये ही है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू 0 आई 1 आई 2 अपॉन 2 पाई ए, दोनों में भी सेम अट्रैक्शन रिपल्शन। याद रखो करंट सेम डायरेक्शन में है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो याद रखना, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन द वायर विल रिपेल ईच अदर। अब लेंगे टॉर्क। सपोज एक मैग्नेट और ये दूसरा पोल साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये मैग्नेटिज्म में बताया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हम रखेंगे करंट कैरिंग वायर। अब सिंगल वायर रखने की जगह लूप रखने वाले हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप ये है सब, वो लूप, ठीक है, और इसमें से हम लोग करंट पास करने वाले हैं ऐसे ऐसे। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट दिख रही है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर, इट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड, लिख रहे कहीं बी आर एल साइन थीटा, बी आर एल साइन थीटा। अब देखो ये वाली जो वायर है, नंबर दे रही है फर्स्ट, ठीक है, ये समझो इतना टुकड़ा सेकेंड और ये टुकड़ा थर्ड, ये और ये और ये समझो। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो उन वायर के लिए अपन थीटा की वैल्यू लिखेंगे 0, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में का एंगल था थीटा। तो लेंथ ये डायरेक्शन में देखो, ये और ये और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को पैरेलल, साइन 0 0, तो थीटा 0 है तो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट वायर विल बी 0। चलो नंबर देने से अच्छा नाम दे देते, ए बी सी बी, अच्छा बी इधर भी है, पी U, R, S। तो ये जो पी एस वाला सेगमेंट है इतना समझो पूरा, और ये क्यू आर वाला सेगमेंट है उसके लिए फोर्स 0, क्यू आर एंड पी एस, क्यू 0 को याद रखना। अब बचे दो वायर, कौन से, पी क्यू और एस आर, उनके लिए लिखते हैं। देखो समझ में आ रहा ना, किसी ने पूछा भाई ठीक है तुम इन्हीं वायर पे फोर्स क्यों कंसीडर कर रहे हैं टॉर्क लेते समय, इस वायर पे और इस वायर पे और इस वायर पे क्यों नहीं, ये तो समझो फील्ड के बाहर है, इसको थोड़ा और छोटा करो, फील्ड के अंदर कर दो लगे तो, या मैग्नेट बड़े कर देते हैं, ये तो बोलेंगे वो भी तो फील्ड के बाहर है, ये ऐसे ये मैग्नेट समझो, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल, ओके, और ये फील्ड के अंदर है, ये स्ट्रेट फील्ड के बाहर है, ये भी फील्ड के अंदर है। अब देख लो तो ध्यान से देखेंगे, तो ये क्यू आर और ये वाला सेगमेंट पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड को, थीटा की वैल्यू 0
फोर्स विल बी सी। देख लो पहले प्रोग्राम को पढ़ लो। ठीक है, बची वायर को लेकर दो ये हटा लेते हैं से। अब ले रहे हैं अपन कौन सी दो वायर पे, पी क्यू एंड आर एस, इन दोनों वायर के लिए कंसिडर कर रहे हैं। अब इन दोनों के लिए ध्यान से देखेंगे तो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, यानी उनकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में देखो एंगल है 90, और यहाँ पे भी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये डायग्राम में नहीं बताएंगे अभी। सो फोर्स का इक्वेशन हो गया बी आई एल साइन 90 इज 1। अब फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से बोल रहा दोनों रूल लगा सकते हैं आप लोग, राइट हैंड रूल भी लगा सकते हैं जो अपने को पूरा 12th में वही था, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। तो अभी फिलहाल एक ही कोई लगाते हैं, राइट हैंड रूल ही लगाते हैं। ठीक है, उनकी डायग्राम बना के बताया था मैंने, फर्स्ट फिंगर राइट हैंड रूल लगा रहा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगा रहा, राइट हैंड रूल लगा रहा, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई लिख ले, ये करंट की डायरेक्शन इधर है और इसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये लेंथ है एल और ये यहाँ से यहाँ तक उसकी ब्रेथ कॉइल की बी, ध्यान देना। फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां लगाएंगे क्रॉस इनटू द पेपर फोर्स। ठीक है, इस पे देखो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तुम लोगों की तरफ, तो यानी यहां पे आया डॉट और यहां पे है क्रॉस। तो अपन एक ऐसा बना लेते, ये यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा फॉरवर्ड डायरेक्शन। फोर्स है इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी अलग अलग है। ठीक है, तो दे कंस्टिट्यूट अ कपल दैट इज टॉर्क। तो अभी अपन जनरलाइज इक्वेशन बना रहे हैं, बाद में रोटेट हुई तो एंगल चेंज होगा, तो अभी फिलहाल 90 से हटा दो उसको, जनरलाइज इक्वेशन बना लेते हैं। अभी फिलहाल 90 है, जैसे ही थोड़ा रोटेट होगी कोई एंगल चेंज हो जाएगा, पर इनके जैसा जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, ना टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स दोनों में से कोई भी है और उन दोनों के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अराउंड कॉइल रोटेट हो रही है। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस बी बाई टू, यहां से डिस्टेंस बी बाई टू, एक फोर्स एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस बी बाई टू प्लस दूसरा फोर्स एक्स, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस का बी बाई टू, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ बाहर बी बाई टू प्लस बी बाई टू इट इज बी, डायरेक्टली लिख सकते थे पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया बी आई एल साइन थीटा, ठीक है, बी आई एल साइन थीटा इंटू करेंगे बी, ये लेंथ इनटू ब्रेथ यानी एरिया, तो इट बिकम्स बी आई लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ऑफ द कॉइल साइन थीटा, ये टॉर्क का इक्वेशन। नाउ इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स द इक्वेशन बिकम्स इफ देयर आर n number of turns, n से multiply कर दो, ये एक turn के लिए हो गया, if there are n number of turns, तो अभी coin का, अब देखो, अब angle कैसे select करना वो बता, यहाँ तो बता दिया था single wire के लिए था वो perpendicular, अब area है, तो B और A के बीच में का angle है ये, समझो sin, तो magnetic dipole moment आई जाएगा वहाँ पे, area vector perpendicular, और ये magnetic field, दोनों के बीच में angle 90 है फिलहाल।
रोटेट हुआ तो एंगल अपने आप चेंज होगा, इसीलिए जनरलाइज इक्वेशन बना लिया। ये जो थीटा था वो बी और ए के बीच में था, ये थीटा है समझो बी और ए के बीच में, ठीक है। तो सिंगल वायर का समझो परपेंडिकुलर बता रहे थे कि इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है और इस पे अलग से हो रहा, उसके लिए 90 लिया था, अभी हटा दिया एरिया के लिए, जनरलाइज इक्वेशन बन गया। नाउ ये जो है कैपिटल एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कहीं कहीं पे म्यू से भी डिनोट किया है पर अभी अपन फिलहाल कैपिटल एम से ही डिनोट करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इट इज एन आई ए, ये बताया पहले एन आई ए, एन आई ए तो इट बिकम्स टॉर्क एम बी एन, ये देखो ये एन ये आई और ये ए, इसका यूनिट याद रखना एम्पियर मीटर स्क्वायर, करंट एम्पियर एरिया का मीटर स्क्वायर, मैग्नेट में था ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो कॉइल के लिए भी उसी पर से फॉर्मूला बनाया कि करंट और ये एरिया मीटर स्क्वायर और एन नंबर ऑफ टर्न्स, उसका तो कोई यूनिट ही नहीं है, इज अ नंबर, ये एम बी ये आ गया साइन थीटा और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू एम क्रॉस भी साइन थीटा के होगा, तो ये भी आप लिख सकते हैं, या ये इक्वेशन या ये इक्वेशन, तो ये याद रखो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन इट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिज्म में बताया था और इसमें भी हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, देख लेंगे एक बार एम बी साइन थीटा, तो जो एन आर ए है यूनिट याद रखना एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो एन आर ए हटा के कैपिटल एम लिखा है, ये याद रखना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, याद रखना पहले भी बताया कि सर्कुलर कॉइल बिहेव एज अ मैग्नेट, जिसमें से करंट पास करेंगे वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो एक टर्मिनल साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, एक टर्मिनल नॉर्थ पोल की तरफ, लिख दो हाँ, तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला हो गया कैपिटल एन आई ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था, इलेक्ट्रिक के लिए आया था पीई साइन थीटा, पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साइन थीटा, ये एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ये साइन सेम है, तो ये देखते हैं फिर आगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी याद रखो, मूविंग कॉइल कैलकुलेटर देख लेना खाली एक बार, बट वो न्यूमेरिकल अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में है मूविंग कॉइल कैलकुलेटर फिर से शॉर्ट में है वो, और उसको कन्वर्ट करना है एमीटर और वोल्टमीटर में, तो उसके सारे न्यूमेरिकल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये चैप्टर में नहीं है फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देता हुआ ही है, इसी को आप मूविंग कॉइल कैलकुलेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जैसे ही यहाँ कॉइल रोटेट होगी तो देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में और कॉइल ऐसे है ये परपेंडिकुलर, तो बी और एरिया वेक्टर के बीच में यानी बी और ए के बीच में डायरेक्शन कितना है 90, और जैसे ही कॉइल इस फील्ड में रोटेट होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड वही डायरेक्शन में, ये जो लाल लाइन है पर उसका एंगल नॉर्मल के साथ चेंज, और जब ऐसे हो जाएंगे तो देखो सेम डायरेक्शन थीटा जीरो, उस टाइम पे टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो इज जीरो, तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगी उसका एंगल बदलेगा तो टॉर्क भी बदलेगा यानी फोर्स बदलना, बट अगर मूविंग कॉइल गैलोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसको एक्यूरेट होना चाहिए, तो देखना पूरा समझाया वहां पे, तो वहां पे अपन ने कंसिडर किए थे सिलेंड्रिकल
मैग्नेट्स, इनको कर्व कर दिया ऐसे, और बीच में कॉइल जब रखे थे तो डायग्राम ऐसे ही बनाए थे पहले, ठीक है, और अपन टॉप व्यू दिखा रहे हैं, तो ये कॉइल का टॉप व्यू और बीच में अपन ने आयरन का कोर रख दिया था, तो इसी में थोड़े चेंज कर देता हूं, देखो दूसरी डायग्राम ये कंसीडर करते हैं, तो यहां कॉइल सस्पेंड करेंगे और नीचे लगाया था स्प्रिंग, ठीक है, ये शेप कर्व कर दिए थे और बीच में रखा था आयरन कोर, ठीक है, तो ये साइड पे अपन टॉप से देख रहे हैं, तो कॉइल का इतना पार्ट दिखाया, ये आयरन कोर सर्कल दिखा दिया। नाउ जो लाइन ऑफ फोर्स है वो ऐसे पास होंगे, उसमें से रेड कलर से बता देता हूं, लाइन ऑफ फोर्स ऐसे पास होंगे, कॉइल बाद में बता दूंगी, कोर रहने दो, ये ऐसे, इसको अपन ने बोला था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी वजह से कॉइल चाहे इधर रोटेट हो चाहे इधर रोटेट हो, इट विल ऑलवेज रिमेन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी परपेंडिकुलर ही रहेगा हमेशा एरिया वेक्टर फील्ड। देखो अब ये समझो कॉइल, तो चाहे इधर रोटेट हो चाहे इधर रोटेट हो, इस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है या इस मैग्नेटिक फील्ड को या इस मैग्नेटिक फील्ड को, तो एरिया हमेशा एरिया वेक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर आएगा, इसीलिए साइन थीटा हटा दिया था अपन ने वहां से एंगल। तो अब टॉर्क चेंज नहीं हो रहा, तो अपन ने लिया था एन बी आई ए, तो जितना ज्यादा आप करंट पास करेंगे उतना ज्यादा कॉइल डिफ्लेक्ट होगी और उस स्प्रिंग में या उस थ्रेड में डेवलप होगा रिस्टोरिंग टॉर्क। वहां ध्यान से देखना, पूरा समझाया है रिस्टोरिंग टॉर्क, जब आप करंट गिनने में जो गिनना है वो पास करेंगे तो कॉइल डिफ्लेक्ट हो गई, फिर जब करंट ऑफ करेंगे तो वही टॉर्क वापस कॉइल को अपनी जैसे रोटेट हुई तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा, और वो टॉर्क था के इनटू थीटा, सिर्फ साइन थीटा हटा है टॉर्क में से, तो आई बिकम्स के अपॉन एन बी ए इनटू थीटा, सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कांसेप्ट था कि जितना ज्यादा आप करंट पास करेंगे उतना ज्यादा आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, और इसके न्यूमेरिकल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना सा याद रखना, खाली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूरा हो चुका है, ये सब समझाया है कि कोर और सिलेंड्रिकल किस लिए यूज किए हैं, पहले बताया कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी तो एंगल चेंज हो रहा था, तो साथ में साइन थीटा था, बट ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी आप इससे करंट गिनने वाले हैं वोल्टेज गिनने वाले हैं, तो इसको एक्यूरेट होना चाहिए, तो टॉर्क कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द रीडिंग, इसीलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है ताकि वो कांस्टेंट रहे। तो एक बार आप लोग पढ़ लेना इक्वेशन, तो मैंने बता ही दिया है, थ्योरी तो नहीं आई तो एक बार पढ़ लेना बस, इक्वेशन याद रखो, मेन तो सब समझाऊंगा लगे तो वापस एक बार, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक बार इतना खाली देख लेना अपना हुआ है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पूरा डिटेल में समझाया है वीडियो होगा, एक बार मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वीडियो फिर से देख लेना। तो अभी ये थाई डायग्राम इसलिए सामने ले लिया, देखो लेने की वैसे कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल हमेशा या अपन बोलेंगे कॉइल बोलने से अच्छा एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड को, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 रहेगी, यानी टॉर्क कांस्टेंट। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायपोल था अपना पॉजिटिव, इसके पहले भी आई इसलिए जस्ट कंपैरिजन में ले रहे, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला आया था वहां पे डायरेक्ट लिख रहे, अभी देख लेना पी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हुआ है उसमें ये लिए थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में ये सब पढ़ा है, ये पीई cos थीटा 0 माइनस cos थीटा, वर्क डन का ये फॉर्मूला निकाला है अपन, वेयर थीटा इज 0 इज द इनिशियल एंगल एंड थीटा इज द फाइनल एंगल, p इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड e इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी पूछा, तो मैंने बताया था इनिशियल एंगल 90 लेना, तो ये बचेगा माइनस साइन के साथ, तो माइनस pe cos थीटा, जो भी एंगल रहेगा वो आ जाएगा,
So this is the formula for work done. This is the formula for potential energy. Same इधर ध्यान दें. Suppose ये है magnetic field और उसमें अभी जो टॉर्क एक्ट हो रहा था वैसी कॉइल रख दिया अपन ने. तो कॉइल का टॉप व्यू बता रहे एक जैसे ये है ऐसे ये पॉइंट बता रहा है. तो एक वायर इधर है एक वायर इधर है. तो एक वायर पे जो टॉर्क फोर्स एक्ट हो रहा है इधर कपल टू फोर्सेस ऐसे ठीक है. जैसे ये फोर्स एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है एक नीचे एक ऊपर ऐसे. तो अपन सिर्फ टॉप व्यू देख रहे हैं ठीक है. तो कॉइल ऐसी है पूरी ये वाली वायर और ये वाली वायर पे फोर्स एक्ट हो रहा अभी समझाया था ना. तो एक फोर्स इधर एक्ट हो रहा और एक फोर्स इधर और ये कॉइल का एंगल थीटा. तो कॉइल रोटेट कर रहा है और किसी ने पूछा उसमें वर्क डन निकालो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में था. क्या यूज करेंगे पी की जगह एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहां लिख लेते लगे तो एम इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और उसका फॉर्मूला है एन आई ए कॉइल के और उसका यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा सेम वैसे ही फॉर्मूला है. तो डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल का याद है तो ये मैग्नेटिक डायपोल का है. मैग्नेटिक डायपोल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि कॉइल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट. अभी बताया था कि कॉइल इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट एक नॉर्थ पोल रहेगा एक साउथ पोल रहेगा बस वही याद रखना है. तो ये कॉइल टॉर्क एक्ट हो रहा है एक फोर्स इधर वायर पे एक फोर्स इधर वायर पे ये थीटा. तो जब देखो ठीक है समझो ये कॉइल है. अब सिर्फ अपन ऊपर वाला पार्ट बता रहे हैं ये एरिया वेक्टर. पहले एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड के पास जीरो. फिर जैसे जैसे ये एरिया वेक्टर चेंज होगा वैसे वैसे एंगल चेंज होते जाएगा. तो इस वायर पर और इस वायर पर फोर्स एक्ट हो रहा है पर अपन ये टॉप व्यू दिखा रहे हैं. इधर एक फोर्स है और नीचे एक फोर्स है. इधर है समझे किधर है डाउन. हाँ सेकेंड पोटेंशियल. अच्छा फिर से बता रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक ने बार बार बोला था ये पीई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट कर देते हैं. ये पी मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है. तो यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करेंगे. तो वहां पे भी थीटा जीरो की वैल्यू क्या लेना 90 अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो. सो इट विल बी माइनस एम बी कॉस. तो ये जस्ट उसके कंपैरिजन में याद रखना. तो यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया. पहले वाले फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आ सकता. तो इलेक्ट्रिक डायपोल ये फॉर्मूले अपन ने डिराइव किए हैं. ये फॉर्मूले अपन ने मैग्नेट के लिए डिराइव किए हैं. अगर आप देखना चाहे तो मैग्नेट वाले में देख लेना. मैंने बताया था मैग्नेट वाले में देखना है तो देख लो नहीं तो फिर इस पर से डायरेक्ट याद रख लीजिए. इस पर से डायरेक्ट याद रख लीजिए. देख लो सिर्फ कैपिटल एम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पी मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाकी से. तो यहाँ ये अपना खत्म हो चुका है. अच्छे से करो इम्पोर्टेंट चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर.